इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत में चारों तरफ सूफी संतों की दरगाहें हैं। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर है अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कर्नाटक में भी एक ऐसी ही दरगाह है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं 14वीं सदी के सूफी ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज के बारे में। दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। मोहम्मद हुसैन या गेसु दराज का रिश्ता सूफी मत की चिश्ती रिवायत से था। चिश्ती एक शहर हुआ करता था जो मौजूदा अफगानिस्तान में पूर्वी हैरात से 95 मील दूर था। वहीं से सूफी मत की शुरुआत हुई थी। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने दक्षिण एशिया में सूफी मत का प्रसार किया था, जिनकी दरगाह अजमेर में है। 13वीं सदी में भारत के सबसे प्रमुख सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे, जो दिल्ली के प्रमुख सूफी शेख के रूप में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी बने। मोहम्मद हुसैनी के लंबे बाल होते थे, इसलिए उनको गेसु दराज कहा जाता था। सन 1356 में जब ख्वाजा नसीरुद्दीन का देहांत हुआ तो सूफी मत की बागडोर मोहम्मद हुसैनी को सौंप दी गई और वो दिल्ली के सबसे प्रभावशाली सूफी शेख बन गए। तुगलक के शासनकाल में इस्लाम का दायरा फैलने लगा था। उसी के बाद सूफी शेख ने दिल्ली से बाहर जाकर सूफी मत का प्रसार शुरू कर दिया था। 17 दिसंबर सन 1398 में मध्य एशिया को जीतने के बाद तैमूर ने तुगलक की फौज को हरा दिया था। अपनी जीत के बाद वो दिल्ली के बाहर हौज खास में शहर के अंदर दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे। मौत को सामने देखकर बड़ी तादाद में लोग दिल्ली छोड़कर दक्कन की तरफ चले गए। उन्हीं में से एक शख्स थे 77 साल के ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज। दिल्ली छोड़ने के बाद गेसुदराज और उनके मानने वाले ग्वालियर और चंदेरी होते हुए दौलताबाद पहुंच गए, जहां गेसुदराज अपने मरहूम पिता को उनके कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि देना चाहते थे। तब दौलताबाद बहमनी सुल्तानों के अधीन था। जब सुल्तान फिरोज शाह बहमनी को उनके बारे में पता चला तो वो खुद दौलताबाद जाकर उनसे मिले और उन्हें बहमनी की राजधानी गुलबर्गा साथ चलने का न्योता दिया। गेसुदराज सुल्तान का न्योता स्वीकार कर गुलबर्गा में बस गए और अगले 25 वर्षों तक वहीं रहे। गेसुदराज सूफी दर्शन के एक सम्मानित प्रवक्ता थे और इस तरह वो गुलबर्गा में एक सांस्कृतिक ताकत बन गए। दक्कन में दक्कनी भाषा का प्रसार उनकी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। बाद में ये भाषा दक्कनी उर्दू के रूप में जानी जाने लगी। पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर लिखी उनकी किताब मेराज उल आशिकी दक्कनी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है। 101 की उम्र में गेसुदराज का सन 1422 में निधन हो गया। उसी साल गेसुदराज की दरगाह की तामीर की गई थी। सन 1640 में उनकी दरगाह को काफी बड़ा रूप दे दिया गया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक ये दरगाह भारत में अजमेर और दिल्ली की दरगाहों की तरह मशहूर हो चुकी थी। हालांकि अजमेर और दिल्ली की दरगाहों की तरह चिश्तिया मत दक्षिण भारत में ज्यादा नहीं फैल सकी, लेकिन फिर भी ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज की दरगाह पर हर साल विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लाखों लोग दूर दराज से उर्स मनाने और जियारत करने आते हैं।